बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया। काफ़ी सारे लोग स्ट्रेटजी हर चीज़ देख रहे होंगे, अपना तैयारी चालू कर दिए होंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक आपको सेट सॉल्व करवाऊंगा। आपको आपके सिलेबस का नॉलेज होगा, उस सिलेबस के नॉलेज में आपको पता होगा कि उसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जो भी प्रीवियस पेपर हुए थे, जो भी सेट बनते हैं, उनको देखते हुए एक 24-25 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम क्या है। मैं रैंडम ऐसे पढ़ाने नहीं आया, कुछ नॉलेज है कि नहीं है, पहले कुछ किया हूँ कि नहीं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी आके आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं सिखा रहा है जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के बजाय वो मिसगाइड कर दे। कि अगर कोई भी आए जिसको नॉलेज नहीं है प्रॉपर कि सब्जेक्ट सिखाते कैसे हैं, बताते कैसे हैं, वो प्रॉपर स्टडी करके नहीं आया है, वो मुंह उठा के ऐसे रैंडम चला आया और कुछ भी सिखा दिया, कुछ भी बोल के चला गया, मजाक बना के चला गया पेपर का, इससे आप मिसगाइड हो जाओगे और जहां आपकी सेलेक्शन हो सकती है, जहां आपकी नौकरी हो सकती है, वहां आप अपनी गलती नहीं समझ पाओगे कि आपने मिस्टेक क्या करा। तो पहले एक ट्रस्ट बिल्ट होना जरूरी होता है आप में और मेरे बीच में। तो वो ट्रस्ट है कि मैंने पहले कुछ अचीव करा है। मेरा सीजीएल 2020 जो कि सेंट्रल लेवल का एक परीक्षा होता है, वो भी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ही होता है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 112 था और मैं अगले साल के पेपर 2021 में सीबीआई में पोस्टेड हूँ। नेक्स्ट, मैं 3 साल कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का टॉपर रहा हूँ। तो दैट्स द प्रूफ कि हाँ, सामने वाला जो खड़ा है जिसका नाम अभिषेक ओझा है, उसे मैथ्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है। जो वो बताएगा, जिस ज्ञान के वजह से जो भी वो सिखा पाएगा, जो भी 4 सवाल सिखाएगा, ये हमारे पेपर में आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने मैथ्स के एग्जाम को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से क्रैक किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले 2-4 बातें बता दूं। पहले आपको पेपर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। आपके सामने कोई भी पेपर आ गया तो उसका सॉल्विंग अप्रोच आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पहला सवाल सॉल्व करना शुरू किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, नहीं। आप जो पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें जो सबसे ज्यादा संख्या है सवालों का, वो है जीएस। और जितना मार्क्स एक जीएस के सवाल से मिलेगा, उतना ही मार्क्स एक मैथ्स के सवाल से मिलेगा और उतना ही मार्क्स एक रीजनिंग के सवाल से मिलेगा। तो आपको अटेम्प्ट करते टाइम ये बात पता होना चाहिए कि आपको कभी भी पहले जीएस के सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए। जीएस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि उसमें बहुत फिक्स है कि ये सवाल या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। ये आता है तो आंसर ये होगा, नहीं आता है छोड़ दो। बट कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स ऐसा सेक्शन है कि 25 सवाल आएंगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनती हो, चीज़ों को समझते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जिससे पढ़े हो वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया है, वो अच्छे से सिखाया है, उसने तरीका सिखाया है कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, तो आप यहां 25 क्वेश्चन में से 25 सही कर लोगे। जीके आप चाहे कितना पढ़ लो, चाहे आप कोई भी लूसेंट वाली किताब, कोई भी बड़ी वाली किताब, कोई भी एनसीईआरटी की किताब रट लो, आप कभी गारंटी के साथ नहीं जाओगे कि मैं जीके में फुल मार्क्स स्कोर कर लूंगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है, गणित एक ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आप यहां पूरा मार्क्स स्कोर कर लोगे और वहीं पे आप अपना आंसर श्योर कर सकते हो मेरे भाई कि ये सवाल सही है और ये मेरा मार्क्स कंफर्म है। जबकि आपको जीके सॉल्व करते टाइम डाउट होता है कि क्या ये सही है, हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, अरे गलत तो नहीं होगा, इस भी कोई और तो नहीं होगा, मैंने पेपर सॉल्व किया है, मैंने पेपर पास किया है, मुझे अनुभव है कि कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैं पहले बोला जीके अटेम्प्ट करना है, लेकिन वही दूसरी बात बोल रहा हूं, मैथ्स ऐसा सेक्शन है जहां आप अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स के सेक्शन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, सवालों को अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज सेक्शन वन है, आज सेट वन है, तो मैं बेसिक सवालों से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। 25 मिक्स सवाल सेट 01 आपको कराऊंगा।
अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि सर अच्छा लगा तो मैं आगे और 4 सेट प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा पहले दिन ही टॉप फ्लोर पे जाने का नहीं सोचना होता है, एक एक स्टेप चढ़ के आप धीरे धीरे ऊपर जाओ। तो मैं पहले बहुत छोटा सा प्लान किया हूँ कि आप लोगों के लिए 5 मॉक टेस्ट या 5 सेट डिस्कस कर दूंगा। 5 सेट अगर आपके पसंद आएंगे, आप अपने दोस्त यार रिश्तेदार अपने लाइब्रेरी में साथ पढ़ने वाले भाई बहन सबको शेयर करोगे, आपके कमेंट प्यारे प्यारे आएंगे, आपके लाइक आएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके लिए मोटिवेशन होगा कि आपको ये पोस्ट चाहिए, आप इस पोस्ट पे जाके सेंट्रल में तो नहीं, बिहार सेक्रेटरीट में जाके आप बैठोगे जहाँ आप बताओगे कि मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा कि हमारे बिहार के छोटे भाई बहन जिन्हें मैं सिखाता हूँ जहाँ से मैं हूँ, वहाँ के लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे को जानते हैं, तो ये हमारी मोटिवेशन होती है और उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि नहीं कभी मैं गया तो मेरे को 4 बोले हाँ अभिषेक भैया अभिषेक सर आपसे मैं सीखा था आपसे मैं पढ़ा था, तो ये चीज़ें हमारी मोटिवेशन होती है, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आपके जो प्यारे कमेंट आते हैं उसे पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने कमेंट पूरा दिल खोल के रखना, हम अपना दिल खोल के पढ़ाएंगे। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आपको कोई भी सवाल ऐसे रैंडम मूवी टाइप नहीं कि फिल्म चल रहा है और मूवी चले जा रहा है आगे बढ़े जा रहा है मैं देखे जा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना। आपको करना क्या है ना कि आप सवाल के सामने, जब भी मैं सवाल अगले क्वेश्चन को दिखाऊंगा, जब भी मैं अगले क्वेश्चन को दिखाऊंगा, आपको पॉज करना है वीडियो को, बिना कॉपी पेन के पढ़ना नहीं है, कॉपी और पेन लेके पॉज करना है, फिर सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करना है और सवाल को सॉल्व करके आंसर मैच कराना है। मिल गया तो ठीक बात है, नहीं मिला तो और अच्छी बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका सिखाऊंगा। अगली बात, शुरुआत बेसिक टाइप के सवाल है, 2 चीज़ें होती है, एक होती है कर लेना, एक होती है सही टाइम में सही तरीके से कर लेना। तो हो सकता है आप सवालों को कर ले, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इन सवालों को सही टाइम में सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो आ जाओ, पहला सवाल आपके सामने है, पॉज करके ट्राई करो। चलो, बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपए है, यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹360। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द सेलिंग प्राइस इज। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, मैं इसको ना बेसिक तरीके से सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। मैं बोलता हूं कि ₹100 मेरा क्रय मूल्य था, अगर मेरा ₹100 क्रय मूल्य था तो इस पे 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 25 का प्रॉफिट हुआ, 125 मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, जी हाँ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का, जी हाँ। लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, 25 का प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट तो 360 का हुआ है, आप गलत हो। ठीक है भाई, मैं गलत हूं, तो बोल दिया कि 25 यूनिट बराबर होगा 360 के। तो बोला उससे क्या, आप ये बताओ कि विक्रय मूल्य क्या होगा, मेरा विक्रय मूल्य क्या है, 125। तो 25 यूनिट बराबर है 360 के, आप एक्स भी लिख सकते हो कि 100x 125x और 25x, बात बराबर है, 25 यूनिट बराबर है 360 के, 125 यूनिट का वैल्यू बताओ, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 × 5 125 और 360 × 5 1800। तो जो मेरा विक्रय मूल्य हुआ वो ₹1800 हुआ। अब इस सवाल को अगर आपको वर्बली सॉल्व करना हो कि मैं बिना पेन उठाए सॉल्व कर दूंगा, तो सीधा ऐसे करोगे, 25% बराबर है 360, तो 125% 25 × 5 और 360 × 5, तो 360 × 5 सीधा आंसर, बिना ये सब लिखे। दैट्स द अप्रोच, ये अप्रोच कहलाता है। अगर आप चीजों को अप्रोच से सीखते हो, करने का तरीका सीखते हो, तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। धीरे धीरे हम लोग इसी तथ्य में आगे बढ़ेंगे और सवालों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब ये सवाल आपका अगला है, पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने का कोशिश करो। ये ज्यादा ब्लर हो रहा है क्या, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पीछे वाली सवाल उसको एक बार बोलिए आने को, देखने को,
सवाल दिख नहीं रहा है, एक बार बोलिए। थोड़ा सा कैमरा वाले आ रहे हैं, तब तक मैं सवाल को बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ओ लग रहा है ना, ज्यादा पता नहीं कोई होता है फंक्शन, हमको नहीं समझ में आता है भाई, कुछ गड़बड़ होगा। तब तक मैं सवाल को क्या करता हूँ ना, बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं। चलो दिख रहा है, पढ़ो, उसे बोल दीजिए चेक करें। क्या है? यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो मूल आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से अधिक होगा? अब देखो ये सवाल है, इस सवाल को भरबली कर सकते हो, भरबली। मुझे आयत से, उसकी लंबाई से, उसकी चौड़ाई से फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ आपको भाषा के आधार पर फंसाना चाहता है कि ऐसा भाषा लिखूंगा कि तुम समझोगे कि ये तो आयत का सवाल है और मैं कंफ्यूज होकर तुम रह जाओगे लंबाई चौड़ाई में, जबकि ये परसेंटेज का सवाल है। इसे बोलते हैं पहचानना, कि आपको पहचान करने आता है कि सवाल जो दिया गया है वो पूछ नहीं रहा है, पूछना कुछ और चाहता है, दिया कुछ और है। तरीका आपको पता है कि परसेंटेज का सवाल है जी। इट मींस मुझे एक फॉर्मूला याद है कि अगर मैं किसी परसेंटेज को एक बार एक्स परसेंट से बढ़ाऊं और एक बार वाई परसेंट से बढ़ाऊं, अगर मैं बोलूं कोई एक नंबर है कोई दूसरा नंबर है, दोनों को एक बार एक्स परसेंट एक बार वाई परसेंट से बढ़ाऊं, तो जो ओवरऑल इंक्रीमेंट होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अब मुझे ये फॉर्मूला पता है, यहां से बोला गया लंबाई को 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 30%। मेरे मन में सीधा आ गया कि कर दो भैया, 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणे 30 अपॉन 100%। जीरो से जीरो खत्म, 40 30 70 प्लस 4 तिया 12, 70 प्लस 12 82% करेक्ट आंसर, 82% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा, इजी है कि नहीं है? कुछ करना है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल, इस सवाल को करने का कोशिश करो, इस सवाल को करने का कोशिश करो। सवाल यह है, यदि a बराबर 0.1294 है तब 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 प्लस 5a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? यदि a बराबर 0.1294 है तो इसका वैल्यू बताना है। कई बार आपके सामने मैं बार बार यही सिखाना चाहता हूं कि वो आपको डराना चाहता है, वो आपको चाहता है कि देख के डर जाओ और फिर फंस जाओ, दिखा कुछ और रहा है, पूछ कुछ और रहा है। बस आपको जो पूछ रहा है ना वो देखना नहीं है, जो नहीं दिखाना चाहता है ना वो देखना है। अब यहां पे वो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाना चाहता, नहीं दिखना चाहता है, चाहता है ना कि आप ये नंबर देख के डरे रहो और सॉल्व करो। ऐसे यहां पे डेसिमल है, 0.1294 है। अब कैसे करोगे तो मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बचपन से हमें पता है। इस सवाल के बारे में अगर मैं इस 9a स्क्वायर को ऐसे लिख दूं कि 3a का होल स्क्वायर है, इस 6a को ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू 3a इंटू 1 है, और इस 1 को ऐसे ही रहने दो और इस 5a को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब यहां देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये बी स्क्वायर, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हां इट मींस ये क्या है, ये सर 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जी हां एकदम सही बात है, जी हां एकदम सही बात है। 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं सॉल्व किया तो ये 3a प्लस 1 है, बाहर निकल के आया होल स्क्वायर से। जी हां, तो 3a प्लस 1 प्लस 5 है तो ये आया 8a प्लस 1। जी हां, अब मुझे ओरिजिनल में किसका वैल्यू निकालना था? ओरिजिनल में मेरे पास a का वैल्यू गिवन था, 8a प्लस 1 का वैल्यू निकालना था, लेकिन वो क्या कर रहा है,
वो इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से शो कर रहा है कि आप डायरेक्टली ना देख पाओ। अगर आपको पता नहीं चले, आप सीधा ए का वैल्यू यहां पुट कर दोगे कि 1294 का होल स्क्वायर, कितना टाइम लगेगा, फिर आप फंस के रह जाओगे। जी हाँ, अभी आप फंस के नहीं रहोगे, आपको ए का वैल्यू पुट करो 8 × 0.1294, 4 ही है ना, हाँ, +1, 8 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है, 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 72, 3 = 75, 12 × 8 = 96 और 4 = 100, 96 × 7 = 103 ना, 1.0352 और +1 है, 1 और 1 ऐड हो गया तो 2.0352 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कैमरा में क्या इशू हो रहा है? टू पॉइंट जीरो थ्री फाइव टू करेक्ट आंसर होगा। रिमोट दीजिए। चलो इस सवाल को करते हैं, एक सवाल इजी सा, बेसिक सा, बिहार वासियों के लिए हमारे। अब सब कुछ सही हो गया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में मैंने पॉज ले लिया कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, फिर हम लोग आगे का क्लासेस देखेंगे। एवरीथिंग इज ऑल राइट? चलो, ये बेसिक सा सवाल है, पेपर का आया हुआ सवाल है, यही 2022 में जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसी का है। पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.025, 0025। अगर मैं पहले सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालू, 0.0025, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, जी हाँ, 25 का स्क्वायर रूट 5, इससे 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के क्या है, 0.05। तो ये काम आप सीधा कर सकते थे, ऐसे लिखना नहीं होता है, ये काम आप सीधा कर सकते थे कि यहां पर 1 2 3 4 जीरो था, तो 2 जीरो के बाद डेसिमल आएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 हो जाएगा। तो यहां हो गया 0.04 प्लस 0.05 और दोनों ऐड हुआ तो ये आया 0.09 और बाहर निकल के आएगा 0.3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और डेसिमल के बाद एक दो संख्या था तो डेसिमल के बाद एक संख्या बाहर उत्तर आएगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इस सवाल में तो हम लोग टाइम ही नहीं लेंगे, आसानी से कर देंगे। चलो आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 15 × 45 × 20 × 50 × 60 × 75 अंत में कितने शून्य होंगे? 15 × 45 × 20 × 50 × 60 × 75, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड। इसका मतलब क्या है, जीरो आखिरी में होने का मतलब क्या, पहले जीरो का मतलब क्या होता है ये समझो। जीरो आता कहां है सर? जीरो जहां आता है वहां मान लीजिए 10 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 4 × 5 आखिरी में कितने जीरो आएंगे, तो इसका मतलब है 4 × 5 = 20, आखिरी में एक जीरो आएगा। अगर मैं लिख दूं कि 16 × 25 आखिरी में कितने जीरो आएंगे, तो 16 × 25 400 हो गए, आखिरी में 2 जीरो आएंगे। अगर मैं लिख दूं 2 × 25 तो कितना है, 50, आखिरी में एक जीरो आया। ये जो जीरो बन रहा है, ये जो जीरो आखिरी में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? तो जीरो इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। व्हाट इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, कि जहां पे 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, जहां पे 2 और 5 का गुणा होगा, जीरो वहां बनेगा। जी हां,
अब मैं बोलूं यहां 2 और 5 का गुणा हो रहा था। हाँ, एक बार 2 का हो रहा था सर और एक बार 5 का हो रहा था, 1 0 बन रहा था। जी हाँ, यहां पे 5 को 2 बार हो रहा था और ये 4 गुणा 4 है, तो मैं 4 को ऐसे लिख दिया, 4 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 बार 2 और 2 बार 5 बन रहा था, तो 2 0 आखिरी में आ रहा था। जी हाँ, तो मुझे 0 खोजने के लिए क्या करना होगा, देख लो कितने 5 और कितने 2 बन रहे हैं, जितने 5 और 2 बनेंगे उतने 0 होंगे। तो पहला काम क्या करता हूं, 1 2 3 0 तो आखिरी में आएगा ही, इसको काउंट ही नहीं करना है, 1 0 खत्म 1 0 खत्म 1 0 खत्म। अगर मैं मल्टीप्लाई करने पर आ जाऊं तो ऐसे करूंगा 10 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 25, तो मैं तो ये बोल दूंगा ये तो आखिरी में जाएगा, इसको नहीं देखना है मुझे, अब इनसे क्या 0 बनेंगे उस पर फोकस करना है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होके आखिरी में जाता है। अगर मेरे को 6 गुणे 10 मल्टीप्लाई करना है तो पता है 60 ही आएगा, 6 गुणे 100 मल्टीप्लाई करना है तो पता है कि 600 आएगा। जी सर, ये तो बहुत सिंपल सा पता है। तो कहां मुझे फोकस करना है, अदर नंबर्स पे फोकस करना है, वहां से कितने 0 बन सकते हैं। मैं बोला 1 2 यहां पर है, हाँ, 2 3 6 1 2 यहां पर है, हाँ, तो 2 बार 2 है और 5 तो बहुत है, 5 गुणे 3 5 गुणे 9 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 5 5 5 बहुत जगह है, 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 है तो कितना 0 बनाएगा, 2 0 बनाएगा, 3 0 पहले से बना था, 2 0 और बन सकता है, तो 5 0 बनेगा एट द एंड। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दूं, फिर से समझा दे रहा हूं भाई, हमको पता चल जाता है कि नहीं समझ में आया, ऐसे ना मेरे कान में सुनाई देता है, कैमरे में कोई बोलता है तो, और मोबाइल देखते देखते बोल दो नहीं समझ में आया, मैं समझ जाऊंगा। देखो फिर से समझाता हूं, 0 आखिरी में कब आएगा, कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर दे आगे बढ़ जाए, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। अगर मेरे से कोई बोले कि 4 में 10 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे पता है कि जो 0 है वो एंड में आएगा। मेरे से कोई बोले कि 8 × 5 × 3 × 2 × 7 × 100 करो, 1000 करो, बताओ कितने 0 आएंगे, कितने भी 0 आए वो पता नहीं, लेकिन इस सब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 3 0 तो आएगा ही आएगा मिनिमम। हाँ, अगर मैं बोलूं 6 × 3 × 1000, सर कुछ हो ना हो लास्ट में 3 0 आएगा, वो 6 3 18, तो एट द एंड मुझे सिर्फ एंड में देखना है कितने 0 है। लेकिन जब मैं यहां देखा तो मेरे को देखा 5 1 बार है और 2 1 बार यहां है, 5 × 2 = 10, तो 1 0 और हो जाएगा, और कुछ भी मल्टीप्लाई होकर बने, 8 3 = 24 = 168, कुछ भी बने मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जितने 5 हैं और जितने 2 हैं उसमें से निकाल लो। आ जाओ फिर से लिखता हूं, अगर कल को ऐसे करना था 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 आखिरी में कितने 0 आएंगे, 0 आएंगे मैं पूछ दिया, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 था ऐसे। हाँ, मुझे 0 कहां कहां से मिलेगा, 1 0 यहां से मिलेगा इंड में, 1 0 कहां से मिलेगा, जहां 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो 5 × 2 = 10, और कुछ भी मल्टीप्लाई होके हो, 9 8 72 7 6 × 4 × 3 कुछ भी बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई होके, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ 0 चाहिए, आई वॉन्ट 0, 0 फिगर नहीं भैया, 0 फिगर करीना कपूर के पास है, हमको 0 चाहिए नंबर्स में, 0 फिगर के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो कई लोग रानी चटर्जी को देखने लगेगा। आओ, अब हमें क्या करना था, इस सवाल को सॉल्व करना था। पहले मैं देखा कि आखिरी में कितने 0, तो 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से, 3 0 यहां से, ठीक ठीक। आगे मैं भूलू कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखो, 1 2 और 5 का कॉम्बिनेशन यहां मिल गया, और यहां पर 1 2 3 6 है, 2 × 3, तो 1 2 यहां है, यहां से 1 5 का कॉम्बिनेशन ले लो, 5 0 एट द एंड आएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश एकदम। चलो इस सवाल को करो, अब ये सवाल एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, ऐसा है जैसे बिहार सीजीएल में आया, एकदम सेम, हमको याद है, हम परीक्षा दिए हैं, पास भी किए हैं। अब मैं आपको अगर सिखाऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि इस सवाल को करना है, तो एक जनरल अप्रोच क्या होगा लगे सॉल्व करने, कि 15 का क्यूब 3 का क्यूब
15 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 से सॉल्व करने लगे। वो आपको काम ही नहीं करना है, वो जनरल अप्रोच आपको करना ही नहीं है। वो आपको दिया गया है जिससे कि आप डर जाओ, टाइम को बर्बाद कर दो लिखने में, कैलकुलेशन करने में। आपको छोटा सा एक एलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला कुछ यूं होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, अगर मैं इसको नीचे ला दूं तो ए क्यूब बटे बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए प्लस बी। अब आप ध्यान से देखो तो ये ए का क्यूब ये बी का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां एक्स है तो छोड़ दो, यहां ए प्लस बी है, हां 15 प्लस 3 18 ए प्लस बी। सर ये तो फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर गया, फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे लाल, मेरे लाल ये होगा कि यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहां ए इंटू बी आना चाहिए, ए इंटू बी। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था 15 गुणे 3, जहां ये लोग एक्स लिखा है वहां पे आना चाहिए था ए इंटू बी 15 गुणे 3। इट मीन्स वहां क्या आना चाहिए था 15 × 3 = 45, जो कि ऑप्शन ए है। कलम उठाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, सिर्फ आपको देखना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए बी की जगह 15 × 3। खेला खत्म। कैसा लगा बता के बताइए आंसर, और अगले सवाल पे आ जाइए, हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को, इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। बड़ा सा सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है आपके स्क्रीन पर, करिए। कितने समय में कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर प्रति 6 × 2/3 वर्ष ब्याज दर के दोगुना कर सकता है? इन हाउ मच टाइम कैन अ पर्सन डबल द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 × 2/3% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि परसेंटेज क्लास बाय अभिषेक ओझा, तो आपको मिल जाएगा, देख लेना वहां से, जस्ट आप समझ लेना डिटेल में। मैं यहां पे इस सवाल को समझाता हूं। 6 × 6.2/3% 6 × 2/3% का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6 × 3 = 18 × 2 = 20, 20/300 काटा कूटी किया तो 1/15, 0 से 0 खत्म, 15 × 2 = 30। तो हम ये बात बोलते हैं ना कि यहां सीधे इसको याद रहना चाहिए, काटा कूटी ना करना पड़े। मतलब आपके सामने 6 × 2/3% है तो आप 1/15 सीधा बोल दिए, भाई बात खत्म। ठीक ठीक अब देखो इसको समझना है। बोला है कितने समय में कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 6 × 2/3% के ब्याज दर से दोगुना हो जाए। एक तरीका हो जाएगा, सब लोग समझाएंगे कि P गुणे R गुणे T बटे 100 ऐसे करके, वो सब समझाते हैं। अभिषेक ओझा काहे है देखो। अब हम बोले कि एक साल में कितने का ब्याज आ रहा है, तो 15 रुपए मान लो कि मूलधन है प्रिंसिपल, 1 रुपया मान लो ब्याज है, ब्याज को मैं इंटरेस्ट से लिख दिया आई। 15 × 1 का ब्याज एक साल में आ रहा है, ये बोल रहा है कि दोगुना होना चाहिए। दोगुना कब होगा? जब 15 रुपए का ब्याज आ जाएगा, 15 प्रिंसिपल है तो। हाँ, अब एक साल में 1 रुपया का ब्याज तो 15 साल में 15 रुपए का 15 साल। आंसर समझे? फिर से एक बार बोलता हूं, 6 × 2/3% का मतलब 1/15। 15 हमारा मूलधन, 1 हमारा ब्याज। ये बोल रहा है दोगुना कब हो जाएगा? दोगुना तब होगा जितना प्रिंसिपल है उतना ब्याज हो जाए, जितना मूलधन है उतना इंटरेस्ट हो जाए। तो 15 × 1 साल में 1 रुपये का ब्याज आ रहा है, 1 साल में 1 रुपये का ब्याज तो 15 साल में 15 रुपये का ब्याज, और जैसे 15 का ब्याज वैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 15 साल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो तेल का टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वो आधा भर गया, तो टीन में कितने बोतल तेल होगा? कैसे करोगे? ए टीन ऑफ ऑयल इज 3/4 पार्ट फुल व्हेन 7 बोतल्स ऑफ ऑयल आर टेकन आउट एंड 3 बोतल ऑफ ऑयल आर एडेड टू इट, इट इज हाफ फुल। फाइंड हाउ मेनी बोटल्स ऑफ ऑयल विल बी देयर इन द टीन। चलिए करके बताइए। एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधा एक एक ऑप्शन उठाओ, किसमें 7 निकाल के 3 डाल दे, किसमें 7 निकाल के 3 डाल दे ऐसे। और एक बेसिक अप्रोच होगा कि 3/4 भाग भरा हुआ है, मतलब 3x/4 उसमें पहले से है। अब 7 बोतल निकाला गया, 7 माइनस कर दिए, 3 बोतल डाला गया, 3 जोड़ दिए, फिर जब आया तो x/2 पार्ट भरा था। खुद ही बोल रहा है कि आधा भरा हुआ है, तो मैं x/2 लिख दी, क्योंकि मैं कैपेसिटी ऑफ टीन तेल का जो बड़ा सा है कितने बोतल का होगा मैं माना था x बोतल का होगा, तो x का 3/4 हिस्सा भरा था। जी हाँ, 7 को निकाल दिए तो 7 निकाल लिया, 3 डाल दिया तो 3 डाल दिया, तब वो आधा भरा आया तो आधा भरा आया। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं x को x तरफ और नंबर को नंबर तरफ। x/2 इधर लाओ, 3x/4 माइनस x/2 बराबर 7 से 3 गया 4, इस तरफ 4 हो गया, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 था, इधर ले गया प्लस 4 हो गया। अब इसको जोड़ने घटाने में डरना नहीं है, मने मन में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 2 से। अब ये क्या 3x/4, ये क्या 2x/4, 3x से 2x गया x/4 बराबर 4, तो x बराबर 16 आ जाएगा। ऑप्शन 1 समझ में आया? जी हाँ, कोई भी आपको डाउट होता है, किसी भी तरीके की जरूरत होती है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करना। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता, तो मैनेज करना है तो थोड़ा तेजी से चीजों को सीखते जाएंगे और मैं सिखाते हुए निकल जाऊंगा, अदर बातें बाद में कर लेंगे लाइव। बोला एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितने लड़कियों की को शामिल करना पड़ेगा? ससुरा हिंदी भी गलती लिखा है, श्रामिल लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 820 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 3:2। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी ज्वाइन टू मेक द रेशियो 1:1? करना क्या है पहले आप समझो। खुद बोल रहा है कि विद्यालय में 3:2 में बच्चे थे, अब कितनी गर्ल्स को जोड़ दिया जाए कि 1:1 में हो जाए। भैया सर एक बात बताओ, जितने बॉयज पहले थे उतने बॉयज अभी भी रहने चाहिए थे? जी हाँ, ये तो 1 हो गया, पहले 3 थे। कैसे? तो 3 बना दो, 3 बना दो। 3 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये 3 × 3 और 3 × 3 हुआ, ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थे। आप देखो पहले मेरे 3 लड़के थे, हाँ, पहले मेरे 2 लड़कियां थी, हाँ, बाद में क्या हुआ दोनों बराबर हो गए 1:1 में, मतलब लड़के तो 3 ही रहे लड़कियां भी 3 हो गई, हाँ, कितने लड़कियां बढ़ी 1 से। तो अब देखो कहानी है, पहले मेरे पास ओरिजिनल में कितने बच्चे थे 820, तो 3+2 3x+2x 5x बराबर है, 5 यूनिट बराबर है 820 के, और 1 का इंक्रीज है 1x का इंक्रीज है, आप यहां पर x भी लिख सकते हो, सबको अगर xx से रिप्रेजेंट करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, अगर 5 यूनिट का वैल्यू पता है, 5 से काटा 1 यूनिट बराबर हुआ 5 × 5 5 6 30 5 4 20 164।
164 लड़कियों का और जोड़ा गया, जिससे दोनों लड़के और लड़की बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। सवाल है पी के किस मान के लिए संख्या 4, 5, 5, 8, 9, P6 8 से विभाज्य है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी इज द नंबर 4, 5, 5, 8, 9, P6 डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। मुझे पता है कि जो 8 का रूल होता है वो क्या होता है। देखो आपको अगर रूल मैं सिखा दूं, चलो 2 मिनट में रूल सिखा देता हूं। अगर बोलू आपसे कोई पूछे 2 का रूल क्या है, तो 2 to the power 1 होता है। 4 क्या होता है? सर 4 जो होता है ना वो 4 होता है 2 का स्क्वायर। जो 8 होता है ना सर वो होता है 2 का क्यूब। जो 16 होता है ना सर वो होता है 2 to the power 4। जो 32 होता है ना सर वो होता है 2 to the power 5। जो 64 होता है ना सर वो होता है 2 to the power 6। जो 128 होता है ना वो होता है 2 to the power 7। अब रहने देते हैं, ठीक है रहने दिए। अगर कोई पूछे 2 का डिविजिबिलिटी विभाजक का नियम बताओ, तो आप सीधा बोलोगे एक डिजिट आखिरी का चेक करना है 2 का डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब कोई बोले 12 2 का डिविजिबल है, चेक करूंगा 2 डिविजिबल है तो डिविजिबल है। कोई बोले 6, 2, 4, 6, 5, 4 ये नंबर 2 का डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो मुझे चेक करने के लिए सिर्फ ये चेक करना होगा कि 4 2 से विभाज्य है। अगर 4 2 से विभाज्य है तो पूरा बड़ा सा नंबर 2 से विभाज्य है। अगर मेरे से कोई बोले 3, 2, 5 2 से विभाज्य है, तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा ये 2 से विभाज्य है। हाँ नहीं यार 5 तो 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाजित है। अगर मेरे से कोई बोले 4 का नियम क्या है, तो 4 का नियम है आखिरी 2 संख्या देखो, last 2 digit, last 1 digit, last 2 digit, last 3 digit, last 4 digit। अगर आपको 32 का चेक करना है last 5 digit, अगर आपको 64 का चेक करना है last 6 digit। इस तरीके से कल को आपको 2 to the power n का बोले तो लास्ट n डिजिट चेक कर लेना। अब मुझे 8 का रूल चेक करना था, मतलब आखिरी के 3 डिजिट उठा लो। अगर 9, P6, 8 से डिविजिबल है तो पूरा बड़ा संख्या 8 से विभाज्य है। क्लियर? जी सर। अब मैं बोलूं इसको चेक कैसे करूंगा। सबसे बेहतर और सबसे बेसिक तरीका होता है ना, एक एक नंबर रख के पहाड़ा पढ़ दो। पहले मैं 8 रख दिया, तो 9, 8, 6 इसको 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8 ऐसे करके देख लो, 8 एकम 8 18 बचा, 8 दूना 16 2 बचा, 8 3 24 नहीं जा रहा है। अब मैं आगे ऐसे 986 खत्म हो गया, 966 चेक कर लो अपॉन 8, 12 8 96 ये भी नहीं जा रहा है, 956 चेक कर लो ये भी नहीं जा रहा है, तो बचा हुआ ये आंसर हो जाएगा। जब 3 के 3 फेल कर गए, 8 भी नहीं हुआ, 6 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, तो खुद ब खुद सही होगा। हम लोग को अगर मन है तो चेक कर लेते हैं 7 रख के, 9, 7, 6, 8 एकम 8 एक बचा, 8 दूना 16 एक बचा, और 8 दूना 16 खत्म। क्लियर? जी सर, बहुत आसान था। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। सवाल को पढ़िए, बोला है देखिए कोई भी सवाल आपके सामने आता है ना मेरे भाई, तो आपको पॉज करना है, ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। क्या है? तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 35% के छूट पर अगर बेचा, अगर वो 40% के छूट पर बेचता तो 800 रुपए की बचत होती। उस टीवी को किस क्रय मूल्य पर खरीदारी की गई होगी? अब देखो बोला है, मैं सवाल समझाता हूं कि मेरे को कोई टीवी सेल किया, कोई टीवी बेचा, उसमें 35% का छूट दिया।
अगर मैं 35 का जगह 40 का छूट देता तो 800 का डिफरेंस क्रिएट होता, 800 का डिफरेंस क्रिएट होता। अगर मैं बोलूं कितने का छूट दिया गया है, 35%, अगर 40% का छूट दिया जाता तो कितना एक्स्ट्रा या कितना डिफरेंस होता छूट में, 5% का। तो अगर मैं 5% का चेंज करता हूं, परसेंटेज में 5 का बदलाव करता हूं, तो संख्या में कितने का बदलाव होता है, 800 का। तो 5% बराबर है 800। अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, 100%। तो 5% बराबर 800, 5 से काटा, 1% बराबर 160, तो 100% बराबर 16,000। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर। ठीक है, अगले सवाल को देखो। सवाल क्या है, 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों के आयु का योग 60 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या है। देखो इसको मैं एकदम बेसिक से एक्स मान के करा देता हूं। वैसे सोचने का करने का बहुत सारा नजरिया होता है, लेकिन मैं फिर भी सबसे बेसिक से कराता हूं। देखो मैं बोला कि पहले बच्चे का मान लेता हूं एक्स है, तो दूसरा वाला इसे 4 साल बढ़ाए तो एक्स प्लस 4, उसके बाद वाला अगर 4 साल बढ़ाए तो एक्स प्लस 8, और उसके बाद वाला अगर 4 साल बढ़ाए तो एक्स प्लस 12। ये पहले बच्चे का आयु है, ये दूसरे बच्चे का आयु है, ये तीसरे बच्चे का आयु है, चौथे बच्चे का आयु। अगर इससे बढ़ाए 4 साल, उससे बढ़ाए 4 साल, 4 साल बढ़ा दिया, बोला है सबका सम 60 है, तो सबका योग में 60 के बराबर कर दिया। जोड़ दो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x, 4 + 8 12 = 24 बराबर 60, 4x बराबर 60 - 24, 4x बराबर 36, x बराबर 9। काट दो ऐसे, 4 × 36। क्लियर? बहुत आसान सवाल था, बेहद आसानी से हो गया। चलिए इस सवाल को करिए। सवाल है, दो रेलगाड़ियां ए और बी से शुरू होते हैं तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है, उनकी स्पीड, उनकी गति 80 किलोमीटर घंटा और 95 किलोमीटर घंटा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है दूसरे ने। मैं आपको अगर इंग्लिश में समझाऊंगा तो समझ जाओगे। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सवाल ये है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जी हाँ, एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ निकलती है। एक 80 के स्पीड में चलती है और एक 95 के स्पीड में चलती है। जब दोनों मान लो किसी पॉइंट पर यहां मिलती है, ये यहां से ऐसे छुक 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 करके आई, या यहां से छुक छुक करके आई, दोनों यहां पे मिली। जब दोनों मिली तो ये बात मुझे पता चला कि जो तेज चलने वाली होगी, ऑफ कोर्स ये तो क्लियर है कि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो तेज चलेगी वो ज्यादा चलेगी। तो जो तेज चली है वो 165 ज्यादा चली है, तो ये वाला डिस्टेंस 165 ज्यादा होगा। तो मेरे से बोला गया दोनों के बीच की दूरी क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है, तो पहले घंटे मान लो ए यहां से यहां गया होगा और बी यहां से यहां आया होगा। पहले घंटे ये 80 किलोमीटर चला होगा और ये 95 किलोमीटर चला होगा। 80 स्पीड है मेरा, तो एक घंटे में 80 किलोमीटर जाऊंगा। आपका स्पीड 95 है, तो एक घंटे में 95 जाओगे। जी हां, अगर एक 80 जाता है, दूसरा 95 जाता है, तो एक घंटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता, 15। तो अगर वो एक घंटे में 15 किलोमीटर का गैप क्रिएट करते हैं एक दूसरे के बीच, और जब जैसे जैसे मिलते जाते हैं तो 15-15 किलोमीटर का गैप बढ़ते जाता होगा। ऐसे 165 किलोमीटर का गैप बना लिए हैं
दोनों एक दूसरे के बीच। तो मैं बोलूँ 1 घंटे में 15 किलोमीटर है तो 165 किलोमीटर में कितना घंटे लगे होंगे, 15 से डिवाइड किया वो 11 घंटे चले होंगे, और हर घंटे 15 15 किलोमीटर का गैप लेकर वो लोग टोटल 11 घंटे में 165 किलोमीटर का गैप बन गया होगा। मैं अगर समझाऊं, एक यहां चला, मैं अगर बोलूं तो ये यहां 80 चला, दूसरा 95, अब ये 80 फिर चला, ये फिर एक 95 चला, फिर ये 80 चला, फिर ये 95 चला, फिर ये 80 चला, फिर ये 95 चला, ऐसे ये 11 बार ये भी चला, ऐसे ये 11 बार ये भी चला 11 घंटे तक, और हर घंटे ये 15 ज्यादा चला, 15 ज्यादा चला, 15 ज्यादा चला, 15 ज्यादा चला, 15 ऐसे 15 15 11 बार चला, तो 165 ज्यादा चला। दोनों मिलके 11 घंटा चले, दोनों मिलके स्पीड कितना चल रहा था, 80 प्लस 95 8 9 17 175 के स्पीड से वो 11 घंटे चले हैं। मल्टीप्लाई करो 1925, सही उत्तर आएगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो। सवाल यह है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आसान भाषा में बोला जाए तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 1/9 है तो 9 अगर प्रिंसिपल होगा, 1 आपका इंटरेस्ट होगा, 9 अगर मूलधन होगा तो 1 रुपये आपका ब्याज होगा। एकदम सर, आपका बात मैं माना, सही बोल रहे हो आप। तो आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूले से समझा देता हूं। फॉर्मूले क्या होता, इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसी को लगा के करते हैं। मैं बोला अगर मेरा 1 इंटरेस्ट है, 9 प्रिंसिपल है, यहां पर बोला है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब जो आपका रेट है और टाइम है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, मैं वो x के बराबर मान लिया। खुद बोल रहा है वर्षों की संख्या और समय बराबर है, तो 9 इंटू एक्स 100, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 100 इधर आया, 9 से डिवाइड कर दो तो 9x² बराबर 100 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 100/9 हो गया, तो x बराबर 10/3 हो गया। आपसे पूछा गया है दर बताना है तो 10/3%, सही उत्तर होगा। सवाल पेपर के आए हुए हैं जो कि दिसंबर में पेपर हुआ था। मैं कुछ भी ऐसा तूफानी नहीं सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। एक बार आप सीख लोगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सवाल पेपर में ऐसे ही आते हैं, यही आते हैं, बार बार आते हैं। बस मैं ये सब बातें बार बार नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत शांति से धीरे धीरे आराम से चीज़ों को सिखाने में विश्वास करता हूँ। एक बार आप सीख लोगे, पेपर कोई भी हो, रिजल्ट में नाम आपका होगा। बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझे इतना ही आता है। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के हल्ला करके हल्ला बोल नहीं मचाता। मुझे एक चीज़ से मतलब होता है कि पेपर हो रहा है, परीक्षा दे के निकल रहे हो, तो जो आखिरी दिन रिजल्ट का एक पीडीएफ जारी करेगा बिहार गवर्नमेंट, उस दिन उसमें आपका रोल नंबर है कि नहीं है। अगर आपका रोल नंबर है तो पढ़ना आपका सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इस सवाल को करना है कि 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब कुछ लोग इसको जोड़े पड़ेंगे कि 1 + 3 + 5 + 7, वहीं एक तेज बच्चा होगा जिसे एक पैटर्न आता होगा कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 + 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 + 3 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ये 4 आया ना, 1 + 3 + 5 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर। जोड़ लो, 5 3 8 1 9 आया, 1 + 3 + 5 + 7 का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 16, 7 5 12 3 14, 7 5 12 3 15 1 16,
वन प्लस तीन प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन का मतलब क्या होता है? फाइव का स्क्वायर, वन प्लस तीन प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नौ प्लस ग्यारह का मतलब क्या होता है? सिक्स का स्क्वायर। एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न क्या है? एक विषम संख्या का योग एक का स्क्वायर, दो विषम संख्या का योग दो का स्क्वायर, तीन विषम संख्या का योग तीन का स्क्वायर, चार विषम संख्या का योग चार का स्क्वायर, पांच विषम संख्या का योग पांच का स्क्वायर, छह विषम संख्या का योग छह का स्क्वायर। अब एक से इकतीस तक कितने विषम संख्या है पता करो। लेकिन एक चीज तो पता है, जो भी आएगा किसी ना किसी स्क्वायर के बराबर आएगा उसका योग। ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है क्या? नहीं, ये सोलह का स्क्वायर है। खत्म। अगर आप गिनने जाओगे तो क्या करोगे? ऐसे गिन लो, एक प्लस तीन प्लस पांच डॉट 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 इकतीस तक है। एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि आखिरी टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे इनके बीच का डिफरेंस प्लस वन। ये टोटल नंबर काउंट करने का फॉर्मूला होता है। मैं कर दिया 31 माइनस वन, एक और तीन के बीच में दो का डिफरेंस है और प्लस वन। इकतीस एक गया 30 बटे दो, 15 एक 16, मतलब जो भी आंसर आएगा 16 का स्क्वायर होगा। ये होता है टेक्निक, ये होता है अप्रोच। अगर आपके कॉन्सेप्चुअली अप्रोचेस को डील करोगे, सवालों को कॉन्सेप्चुअली डील करोगे, तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आइए इस सवाल को करिए। सवाल है कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग है। जब भी ऐसे सवाल है कि दो संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर शेष समान होता है तो वो संख्या है, इसका मतलब होता है HCF निकालो। क्या निकालो? HCF। और HCF निकालने का एक तरीका होता है डिफरेंस मेथड। अगर मेरे से कोई बोले कि सात नंबर छोटा लेते हैं, आठ और बारह का LCM क्या है, तो मैं पहला काम करूंगा इन दोनों का डिफरेंस लूंगा। बारह से आठ गया चार, जो भी HCF आएगा या तो चार आएगा या चार का ही कोई गुणनखंड आएगा, कोई फैक्टर आएगा। चार का फैक्टर एक हो सकता है, चार का फैक्टर दो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस में जो डिफरेंस आता है वही उत्तर हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, आठ बारह पंद्रह, तो अब ऐसे केसेस में डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस चार आया, इसका डिफरेंस तीन आया और इसका डिफरेंस सात आया। अब चार तीन सात में तो कोई भी किसी का गुणनखंड ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक होता है HCF। अब यहां पे है 62 है, 132 है, 237, इनका डिफरेंस लिया 70 आया, इनका डिफरेंस लिया 105 आया। अब मैं अगर बोलूं इसका डिफरेंस ले लूं या फिर इनका HCF निकालू तो 35 आया, चाहे इसका कॉमन देख लूं 35 दूना 70, 35 थी 105, 35 से कट रहा है, तो इसका HCF मान इट मींस महत्तम समापवर्तक 35 है। 35 से डिवाइड करने पर इसको चाहे इसको चाहे इसको सेम शेष फल बचेगा। चेक कर लो डिवाइड करके, 35 से डिवाइड किया 62 को 27 आया, 35 से डिवाइड किया 132 को 27 आया, 35 से डिवाइड किया 237 को 27 आया। देखो हर सवाल में शेष समान आया। जी हाँ, तो आंसर आपका वही आएगा। अब आपसे बोला गया है कि जो n सबसे बड़ी संख्या है उसका सम क्या होगा, मतलब जो n आया वो 35 आया, इसके डिजिट का सम क्या होगा? तो 3 प्लस 5 आठ आया,
8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? एकदम क्लियर है. इस सवाल को सॉल्व करो. आपके दिसंबर वाले पेपर में यह सवाल भी आया है. चलो, सवाल को पहले रोकना है, पढ़ने का कोशिश करना है, फिर सॉल्व करना है. बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% वोट पड़े, इसमें से 5% वोट खारिज कर दिए गए, मतलब अवैध कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए. एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 80% वोट मिले, जो कि 17,442 वोट थे. इस चुनाव की कुल संख्या ज्ञात कीजिए. अगर मैं बोलूं देर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, टोटल 85% वोट पड़ा. अगर मैं मान लूं कि एक्स वोट मेरे पास थे, एक्स के 85% वोट पड़ा, इसका 85% जो वोट पड़ा उसका 5% वोट खारिज हो गया, मतलब अवैध हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया. वैलिड कितने हुए, वैध कितने हुए? 5 जब अवैध हो गया तो 95%, 95% वैध हुए. तो 95/100, इसका 95%. अब आगे बोला एक उम्मीदवार को वैध वोटों के 80% मिले. अब ये मेरे पूरे वैध वोट है, इसके 80% किसी को मिले, और जो ये इसका 80% है वो बराबर है 17,442 के. खुद ही बोला है तो कर दिया बराबर. बस जैसे ये लाइन लिखोगे आंसर आपके कदम चूमेंगे. बस आगे आपको छोटा सा काटाकुटी करना है, कैलकुलेशन करना है. करो, करते हैं. काटा 19 से, 19 5 95, 19 9 171, 19 1 19, 19 8 152. ठीक है, ठीक है. 17 से काटते हैं, 17 5 85, 17 5 85 और 17 4 68. 5 25 4 100 काट दिए. 2 से काटे 4 2 8, 0 से काटे 0, 2 से काटे 27 2 54. 100 × 10 1000, तो x बटे 1000 बराबर हो गया 27, तो x बराबर हो गया 27,000. ठीक, ठीक है सर, बहुत अच्छा. ऑप्शन 4 27,000 सही उत्तर है. कुछ लोगों को मैं बोर कर देता हूं. बोर करना समझते हो? एकदम यार कैसा मास्टर है, बिल्कुल जोक्स नहीं मारता, हंसी मजाक नहीं करता हूं मैं, क्लास के दौरान सिर्फ पढ़ाता हूं. इस वजह से कुछ लोग बोलते हैं खाली पढ़ाते हैं सर आप, थोड़ा सा ना हंसी मजाक किया करिए, थोड़ा इधर उधर का बात किया करिए, अच्छा लगता है. चुपचाप पढ़ लो. नौकरी लेना क्या होता है मुझे पता है. नौकरी लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सीरियस हो रहना पड़ता है, कितनी त्याग करनी पड़ती है मुझे पता है. हवाबाजी बकैती करने के लिए सब चीज़ें नहीं करनी होती है, बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें. लेकिन नौकरी उसको अच्छा लगता है जो पढ़ लेता है. तो अभी आपको अच्छा लगाना है कि अभी आपको 6 महीने बाद अच्छा लगना चाहिए. 6 महीने बाद जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जब घर में आपको इज्जत मिलेगा, समाज में आपको इज्जत मिलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. अभी क्या अच्छा लगने से, सवाल पे फोकस करो. ये चीज़ें मैं इसलिए बोल दिया कि ये जनरल है मेरे लिए ये बातें सुनना कि सर आप बोर कर देते हो. आपके लिए ये जनरल नहीं होगा, आपके लिए जनरल होगा कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर आग है, तुम अर्जुन हो, तुम कर्ण हो, तुम लाल हो, तुम कुछ भी कर दोगे. ये आपके लिए सुनने को मिल रहा होगा. तो जो मेरी बातें थी थोड़ी डिफरेंट है, कोई बात नहीं. सवालों को करो. ए बी सी एक साथ 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं. मैं हंसी मजाक करता हूँ, मिलोगे तो करूँगा, उसके लिए अलग सेशन रखेंगे, अभी पढ़ लेते हैं. ए बी सी एक साथ 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 177 कमाते हैं, बी और सी मिलकर 162 कमाते हैं. ए प्लस सी मिलके 177 कमाते हैं, बी और सी मिलके 162 कमाते हैं. और खुद बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके 300 कमाते हैं. ठीक है, इन तीनों को दोनों को जोड़ दो. जोड़ दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, सी सी दो बार, ए बी एक बार, इन दोनों को जोड़ा, 7 2 9, 7 6 13,
एक एक दो एक तीन, 339 हुआ। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एबीसी क्या है, 300। एबीसी 300 है तो ये 300 होगा, प्लस सी बराबर 339, तो सी बराबर 339 माइनस 300, तो सी कितना रुपए कमाएगा, 39 रुपीज कमाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा थ्री एक्स माइनस एट वाई का, जो 3x-8y बटे x-2y का मान बताना है यदि x बटे 2y बराबर 2 है, कैसे करोगे बताओ। हो जाएगा ना, ये तो आसान है ना। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x-8y अपॉन x-2y, बहुत आसान है। अगर मैं बोलू x अपॉन 2y बराबर 2 है तो x बराबर क्या है, 2 इंटू 2y 4y। अब x बराबर 4y है तो y को इधर लाओ तो x बटे y क्या है, 4/1। और जब x अपॉन y 4/1 है तो x का वैल्यू क्या है, 4, y का वैल्यू क्या है, 1। पुट कर दो, सवाल का वैल्यू निकालना था 3x-8y अपॉन x-2y, x के जगह पे 4 और y के जगह पर 1 पुट कर दिए, 3 इंटू 4-8 बटे 1-2, सॉरी x का जगह पे 4 था ना, 4-2, 3 × 4 = 12 से 8 गया, 4 हो जाएगा, और 4 से 2 गया 2 हो जाएगा। ठीक, जी हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अपॉन 2 होना चाहिए, आंसर तो 2 होना चाहिए यार, 12 लिखा हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। नहीं, x इक्वल्स टू 4y, x अपॉन y 4/1, 4 × 3 = 12, 8 × 1 = 8, 12 से 8 गया 4, सब कुछ सही है, आंसर गलत है, हम लोग सही है। क्लियर? जी सर। चलो आपके लिए मैं आज का सेशन थोड़ा छोटा रखें, एक दो लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, कभी कैमरा कभी कुछ, तो पहला ही सेशन था, पहले सेशन में थोड़ी दिक्कतें आ गई, कोई परेशान नहीं होना है। हम लोग, अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ऐसे कुछ सेट और मैं करा दूंगा। ये फर्स्ट सेट था, सेकेंड सेट थर्ड सेट से मैं कोशिश करूँगा नाइट टाइम क्लास ले लूँ, ये डे टाइम क्लास ले रहा हूँ तो कोई आ जा रहा है नाइट में, जब मैं 11 बजे रात को 12 बजे रात को क्लासेस लेके रख देता हूँ तो दिक्कत नहीं होता, या फिर लाइव क्लासेस लेता हूँ तो दिक्कत नहीं होता। तो लाइव तो नहीं, रिकॉर्डिंग ही आपको मैं दे दूंगा, इसको आप खुद से करना और इसका आंसर आप कमेंट करना, और कैसा लगा सेशन ये भी बताना, इस सवाल को खुद से करना, और देखो एक छोटा सा सवाल और है, इसे भी खुद से करना, इसे भी खुद से करना, ये होमवर्क है, दोनों सवाल खुद से करके आंसर कमेंट करना, और आपको अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा। सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।